क्लास नाइन की सत्ताईस बारह दशमलव एक पहला सवाल है त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में पहले सवाल में भुजाएं दे रखी है 21 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर और दूसरे में 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और तीसरे में है ए बराबर एक भुजा और ए माने पहली भुजा 25 मीटर, बी 17 मीटर और सी जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है वो सब अलग अलग भुजाएं दे रखी है, क्योंकि त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर आपके पास अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ पर पूछिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। इसके बाद है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। लेकिन अगर आपके पास विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन परिमाण, आयतन परिमाण। त्रिभुज का आयतन परिमाण बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे दो, जो कि हमें एस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज का आयतन परिमाण को एस से प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज का आयतन परिमाण एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे दो। फिर आंदोलन लगेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, ये जो आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं या किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो और चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज है तो इस सूत्र के द्वारा हम प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इसका फार्मूला है कि सबसे पहले आपको त्रिभुज का आयतन परिमाप निकालना है, आयतन परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग बटे दो और फिर इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। इस प्रकार से इस त्रिभुजों के हम क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो त्रिभुज दे रखे हैं उन त्रिभुज की भुजाएं हैं, फर्स्ट नंबर पे पहले नंबर पे कह रहा है 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहां पर 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर अलग अलग भुजाएं हैं, ये तो आपका विषमबाहु हो गया। और विषमबाहु त्रिभुज है तो यहां पर सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन परिमाप। तो त्रिभुज का आयतन परिमाप, आयतन परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो यहां पर पहली भुजा 21, दूसरी भुजा 17 और तीसरी भुजा 10 बटे दो, 7 और 1 8 और 2 और 2 4, 48 बटे 2 बराबर 24 मीटर, 24 मीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर हो जाएगा एस की जगह पे आ जाएगा 24, 24 माइनस 21, 24 माइनस 17 और 24 माइनस 10। चौबीस तीन 17 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेंगे 14। अब इनका गुणा नहीं करना है, गुणा की जगह पे क्या कर लेना है, गुणन खंड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणन खंड करेंगे इसके 24 के, तो 8 तक का 24, 2 इंटू
नंबर है, सेकेंड नंबर में कह रहा है 21 सेंटीमीटर, इसके बाद है 20 सेंटीमीटर और इसके बाद 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 21, 20 और 13 सेंटीमीटर का हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, जो जाएगा 21 प्लस 20 प्लस 13 बटे 2, 3 और 1 4, 2 और 4 और 1 5, 54 बटे 2 बराबर 27। 27 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप निकल आया। इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की जगह पे आ जाएगा 27, 27 माइनस 21, 27 माइनस 20 और 27 माइनस 13, 27 में से 21 जाएंगे, बचेंगे 6, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 14। इनके संख्या में गुणनखंड करना है, तो पहले 27 से गुणनखंड करेंगे। तो 27 से गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 3 × 3, 3 प्रकार लौट गया 27, और 6 की गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 और 7 का 7 रहेगा और 14 के 2 × 7 = 14। तो सबसे पहले देखिए आपका 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 वाले 3 × 3 और 1 जोड़ा बन रहा है 7 का। तो यहाँ पर 2 × 6 और 6 तक का 18 और 18 सत्ते 56 की 6 और 7 एकम 7 और 7 5 हो जाएंगे 12, 126 सेमी स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें इस तरीके से त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालना है। इसके बाद आपका सवाल नंबर है तीसरा, तीसरा नंबर दिया है कि a बराबर निकालना है, ठीक है। और ये सूत्र है,
त्रिभुज के किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, इसलिए बोलते हैं इसको हीरो सूत्र, माने सबका हीरो है, तो इससे बोला गया हीरो सूत्र है। तो इस सूत्र का नाम इसीलिए हीरो रख दिया गया कि भाई ये सबका काम करता है, जहाँ पर भी वो वहीं लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ये सक्षम है। तो अगले सवाल में है, करा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अगर हम समबाहु त्रिभुज का, हमारे पास फार्मूला भी है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे कि पहले सवाल में आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट 3/4 और भुजा की जगह पे आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर, ये पहला नंबर। तो अंडर रूट 3/4 और भुजा स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 4 एकम 4 से काट देंगे 25, तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर, ये आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले में सेट करिए। इसी प्रकार से दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, तो अंडर रूट 3/4 और भुजा की जगह पे आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3/4 × 16 × 16, 4 × 16 16 × 64 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये सबसे पहली बात तो हो गई कि हमने समबाहु त्रिभुज के फार्मूले से सॉल्व किया है। अगर एक सवाल को आपको देखना है, जैसे मानो कि आपके पास ये आपकी समबाहु त्रिभुज है फर्स्ट नंबर, जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। अगर हम सूत्र की सहायता से, उसी सूत्र की सहायता से अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो इसकी तीनों भुजाएं जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो पहले इसका हल करो, आप निकाल लेंगे a+b+c/2, 10 + 10 + 10/2, तो ये आ जाएगा 30/2 = 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का अर्धपरिमाप आ गया। अब इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s, s-a, s-b और s-c, यहाँ पर हो जाएगा 15 × 5 × 5 × 5 का पूरा घन कर लेंगे 3 × 5 5 × 5 × 5, देखिए ये जोड़े बन रहे हैं, 2 5 5 5 5 वाले जो जोड़े बन रहे हैं वो जोड़े बने 5 × 5, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये अंडर रूट के अंदर बना रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। देखिए जो क्षेत्रफल यहाँ निकला था वही क्षेत्रफल यहाँ पर निकल आया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें ये फार्मूला याद हो, नहीं याद होगा इस तरीके से लगा देंगे, जब हमारे पास अगर ये फार्मूला याद है तो इससे लगा देंगे, अगर नहीं याद है तो ये वाला एक फार्मूला ध्यान रखो, बस उसी से सारे क्षेत्रफल निकालते चले जाओ। तो इस प्रकार से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर हमें फार्मूला आपका समबाहु त्रिभुज का याद है तो हम इस फार्मूले का भी उपयोग करके इसका मान निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले